भारतीय जनगणना पर नीतीश का इंतजार नहीं करेंगे तेजस्वी, आंदोलन तय करने के लिए बुलाई बैठक। एमएलसी की एक सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई रोजिना नाजिस, सीएम के प्रति जताया आभार। 1.5 साल बाद खुला इंडो नेपाल बॉर्डर, लोगों की आवाजाही शुरू, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने भले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस मसले पर कोई करा स्टैंड नहीं ले पा रही है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड फिलहाल आंदोलन के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश का इंतजार किए बगैर जातीय जनगणना के मसले पर आंदोलन की रूपरेखा तय करने का मन बना लिया है। और पिछले दिनों आरजेडी की बैठक को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने यह भी बातों का ऐलान कर दिया था। तेजस्वी के बयानों से पहले ही स्पष्ट है कि उनकी पार्टी इस मसले पर आंदोलन करेगी। आरजेडी में आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और आने वाली 4 और 5 अक्टूबर को आरजेडी के जिलाध्यक्षों के साथ साथ प्रधान महासचिवों और प्रखंड अध्यक्षों की बैठक के पटना में बुलाई गई है। तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है और इस अहम बैठक को 4 और 5 अक्टूबर को रखा गया है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई है और जातीय जनगणना की अगर हम बात कर ले तो इस मसले को लेकर तेजस्वी यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव है और वो अब नीतीश कुमार के प्रतिक्रिया का, नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार नहीं करने वाले हैं। अब वो सीधा मीटिंग बुला रहे हैं और खुद जातीय जनगणना पर अगर हम कहें तो तकरार जारी है। आंदोलन तय करने के लिए तेजस्वी ने बैठक बुलाई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि जातीय जनगणना एक अहम मसला तो हो ही गया है बिहार की राजनीति में और अब तेजस्वी यादव ने एक अहम बैठक भी बुला ली है, ऐसे में क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी? जी बिल्कुल पूजा, 4 और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया, इसमें तमाम जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिवों की बैठक होगी। हालांकि इसको औपचारिक रूप से परीक्षण शिविर के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जातीय आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से बड़ा मुद्दा छिड़ गया है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल है वो एक साथ हो गई है और जो तेजस्वी यादव ने बीते दिन 33 ऐसे मुख्यमंत्री है पार्टी का है जिनको पत्र लिखा था और कहा था कि एक साथ आने के लिए जातीय आधारित जनगणना को लेकर, अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री दिल्ली पटना आते हैं और मीडिया कर्मियों से नहीं बात करते हैं, हालांकि दिल्ली में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था मुख्यमंत्री को और बयान भी दे दिया है, देखना यह होगा कि जब तेजस्वी यादव पटना लौटते हैं तो 4 और 5 अक्टूबर को जब बैठक होगी तो जातीय जनगणना को लेकर क्या स्वरूप नया वो दिखाते हैं। पूजा, उत्कर्ष एक और सवाल है आपसे कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू अलग मन बना रही है, वहीं अब तेजस्वी यादव ने भी अपना रुख अपना लिया है, ऐसे में अब लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना को जिस तरीके से इस पर दबाव दिया जा रहा है तो क्या लगता है एक समय के बाद सरकार पर दबाव बनेगा या फिर जो पक्ष इसके समर्थन में है उन्हें पीछे हटना पड़ेगा? जी बिल्कुल पूजा, देखिए बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अब सबसे बड़ा बात ये सामने आ रहा है कि अगर केंद्र जातीय जनगणना नहीं कराती और अपना स्टैंड क्लियर कर देती है तो बिहार सरकार को यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद बिहार के पैसों पर जातीय आधारित जनगणना कराना होगा, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने खुद ही कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। तो ऐसे में जो तमाम विपक्षी दल है अब एकजुट होकर
साफ तौर पर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे और जातीय जनगणना को लेकर सामने अपना स्टैंड भी क्लियर करने को कहेंगे और मुख्यमंत्री जरूर ऐसा लग रहा है कि अब बिहार में जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन उत्कर्ष अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल किया जाए। नीरज सिंह बबलू ने यह बयान दिया है। तो ऐसे में जहां एक तरफ केंद्र ने जातीय जनगणना कराने को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, बीजेपी अब अपनी बात कर रही है, जेडीयू अपनी बात कर रही है और अगर विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात कर रही है। ऐसे में जातीय जनगणना एक अहम मसला बन गया है और लगता है इसको लेकर राजनीति लंबी चलने वाली है। जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि एक जातीय जनगणना ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको लेकर अब खुद एनडीए की जो पार्टियां हैं वो आमने सामने हो गई हैं, क्योंकि अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा वीआईपी या जदयू तीनों एक तरफ हो गए हैं और बीजेपी दूसरी तरफ है। वो कह रही है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, अभी उसमें समय, उससे अच्छा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और अगर बीजेपी अगर इस रुख को नहीं मोड़ती है तो कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूर हो सकता है और ये बीजेपी अभी हरगिज नहीं चाहती है पूजा। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अब सियासत चरम पर पहुंच गई है और जहां एक तरफ केंद्र ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है तो वहीं एनडीए के घटक दलों की बात करें तो लगातार उनके कई ऐसे पार्टी हैं जो जातीय जनगणना के समर्थन में हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जातीय जनगणना वो नहीं कराएगी। वहीं केंद्र के सपोर्ट में है बीजेपी, लेकिन अगर हम एनडीए के और घटक दलों की बात करें, जेडीयू की बात करें, हम की बात करें, वीआईपी की बात करें, तो ये सभी जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि जिस तरीके से विपक्ष दबाव बना रही है तो बिहार में आगे जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है जहां वाहन ने कई लोगों को टक्कर मार दी है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है पटना से जहां हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, पुलिस ने एक शख्स की मौत की पुष्टि कर दी है और गाड़ी सवार दो लोगों को बंधक बनाया गया है। बता दें आपको कि दोनों को छुड़ाने के लिए जो पुलिस है उन पर हमला भी किया गया है। तो छुड़ाने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया है और कई थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी खबर पटना से। बिहार विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर के निधन से खाली हुई जेडीयू उम्मीदवार रोजिना नाजिस ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं। दरअसल निर्वाची पदाधिकारी ने विधानसभा में विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया और निर्विरोध जीत पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने रोजिना को बधाई भी दी है। इसके साथ ही रोजिना ने सीएम के प्रति आभार जताया है। आपको बता दें कि उपचुनाव की अधिसूचना 15 सितंबर को निर्गत हुई थी और 22 सितंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पिछले कई सालों से जारी सियासत के बीच अब जेडीयू थक गई है, जिसको लेकर पार्टी के नेताओं का गुस्सा साफ दिख रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आखिरकार अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। बिहार सरकार के योजना और विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। हाँ, सभी क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग जरूर होगी। हो गई विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, ये मांग की एक सीमा न होगी? 7-8 साल तक लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए? अपना काम कर रहे हैं। विशेष मदद की बात कर रहे हैं, विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। और एक बड़ी खबर
आगरा से सामने आ रही है, जहां आगरा में दो ट्रकों की तेज भिड़ंत हुई है और इसमें बड़ा धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां भिड़ंत में बड़ा धमाका हुआ है और भिड़ंत के बाद दोनों ट्रक आग के गोले बन गए हैं। तो बड़ी खबर, नजदीकी ढाबे पर खड़ी बाइकों में भी आग लग गई है। तो आग इतनी भयावह थी, इतनी विशाल थी कि नजदीकी ढाबे पर खड़ी बाइक में भी आग लग गई है और इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई है, लोगों में दहशत है। और मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो पहुंची और उसने आग पर काबू पाया है। भिड़ंत के बाद आगरा ग्वालियर हाईवे बाधित रहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आगरा ग्वालियर हाईवे बाधित रहा है और आगरा ग्वालियर हाईवे के इटोरा गांव का ये पूरा मामला है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है और आग के गोले जो हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही है। दरअसल ये आग इतनी भयावह थी कि बगल में जो ढाबा था वहां पर जो बाइकें लगी हुई थी उनमें भी आग पकड़ गई। और देखिए कि किस तरीके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह ये टक्कर हुई, जिसके बाद आग लग गई और आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी मची रही। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से दोनों गाड़ियों के बीच भिड़ंत हुई, दोनों ट्रकों के बीच भिड़ंत हुई है और कितनी भीषण आग लगी है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जेडीयू के नाराजगी के सवाल पर बीजेपी ने विराम लगा दिया है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि अगर जेडीयू से किसी प्रकार की नाराजगी होगी तो फिर सरकार कैसे चलेगी। सभी पार्टियों का अपना मुद्दा होता है, जरूरी नहीं कि हर मुद्दों पर सबका विचार एक हो। अगर नाराज है तो हम मिलकर नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार कैसे चलाते। हम नाराज नहीं हैं। देखिए हर एक दल का अपना कुछ अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, उनके अलग एजेंडा होते हैं और उन एजेंडों के हिसाब से वो अपनी बात रखते हैं। आखिर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि कुछ अलग अलग नहीं होंगे, एक ही तरह होंगे क्या सब कोई? तो कुछ अलग विचार, अलग बात, अलग शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA की सरकार बिहार में चल रही। बिहार में जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नया राग अलाप लिया है। बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सीएम नीतीश कुमार पर जातीय जनगणना को आधार बना हमला करते हुए कहा कि देश में जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण है। आधारित जनगणना का जो चल रहा है डिमांड, मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। जब इसकी आवश्यकता होगी तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस देश की जो आवश्यकता है, इस राज्य की जो आवश्यकता है, बात उस पर होनी चाहिए। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हमारे राज्य में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। जनसंख्या के भार से हमारी धरती दबी जा रही है, हमें रहने को जगह नहीं है, चलने को जगह नहीं है, सड़कें फुल रहती है, बाजार फुल होता है, खेतों का अभाव हो गया है। आखिर लोग इस धरती पर इतने बड़े पैमाने पर इतने तेज़ी से आ रहे हैं हमारे राज्य और हमारे देश में, तो वो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ अपनी शिक्षा अर्जित करेंगे, कहाँ से रोजगार आएगा? तो सबसे पहले आवश्यक है कि इसको कंट्रोल करने का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा भगवान श्री राम पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत जारी है। इसी क्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इशारों इशारों में जीतन राम मांझी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राम के बिना सब अधूरा है और पूरे जगत में श्री राम ही राम है, वह आगे हो या पीछे। राम के बिना सब अधूरा है, आगे राम पीछे राम, जग में रामे राम। बीजेपी ही बोल रही।
नेपाल सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के 7वें दिन बाद बॉर्डर को खोल दिया गया है और आम लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि नेपाल में जाने वाले लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर पर भी लोगों का आवागमन बंद था, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से करीब 1.5 साल से सील भारत नेपाल बॉर्डर को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद नेपाल ने खोल दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुँचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा। बेटा, ये किस है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो, पियू, पियू, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैड से, खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर, देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ। हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा
इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। हाँ, खुलेंगे। के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक के द्वारा अपनी छत पर बंदूक से हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहा है। युवक ने एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार लगातार फायरिंग की। मामले में मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां मुखिया किरण चौधरी का बेटा विराट है। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही विराट चंद्रा की मां किरण चौधरी ने दूसरी बार वहां खड़े मंत्री सम्राट चौधरी और दिवंगत मंत्री मेवालाल चौधरी की भाभी को शिकस्त दी है और फिर से पंचायत की मुखिया पद पर जीत दर्ज की है। बता दें आपको कि किरण चौधरी दिवंगत मेवालाल चौधरी के चचेरे भाई की पत्नी है। बताया जा रहा है कि मां की जीत की खुशी में बेटे ने हर्ष फायरिंग की, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रोल भी किया जा रहा है। नालंदा के हरनौत बाजार में एक घर से डकैती मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह को 2 सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। सदर डीएसपी ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधी झारखंड भागने के फिराक में था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का बिहार और झारखंड के कई जिलों में आपराधिक इतिहास भी रहा है, कई बार जेल भी जा चुका है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में वांछित अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में विशेष टीम के द्वारा टीवीएस शोरूम जो हरनौत में उनके मालिक के डकैती हुई थी उसमें वांछित अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। महत्वपूर्ण है कि ये अंतर्राज्यीय अपराधियों के गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। जो गिरफ्तारी हुई है ये जोगेंद्र महतो सिवान के रहने वाले हैं। ये पूर्व में 2012 में रांची बरियातू में जज साहब के यहाँ डकैती के कांड में जेल जा चुके हैं। पटना सिटी के आलमगंज थाने की पुलिस ने मीना बाजार स्थित डोम खाने में छापेमारी कर 200 लीटर देशी शराब समेत 15 शराबी और शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 युवक को भी गिरफ्तार किया गया है जो छिनतई की घटना को अंजाम देता था। फिलहाल सभी से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 17 आदमी में से 15 आदमी गिरफ्तारी मीना बाजार डोमखाना में शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले के छापेमारी कल दोपहर में की गई थी, जिसमें 15 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। 150 किलो देसी शराब बरामद हुआ था। सभी लोग को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर जुलाई माह में एक मोनू कुमार भद्रघाट के रहने वाला व्यक्ति का मोबाइल जो है झपट्टा मार लिया था, जिसको कि रेडमी कंपनी का मोबाइल को बरामद किया गया है, तथा गोलू कुमार जो चरीटा करने वाला है, तथा विकास कुमार जो माखनपुर जिला का रहने वाला है। बेतिया के नौतन में बेखौफ चोरों ने एक साथ स्कूल और एक सीएसपी केंद्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्कूल का ताला तोड़कर चोरों ने जहां पैसे और कागजात की चोरी कर ली, तो वहीं स्कूल के पास स्थित सीएसपी से चोरों ने 25,000 रुपए नगद सहित बैटरी और इन्वर्टर की भी चोरी कर ली। सबसे हैरत की बात तो ये रही कि विद्यालय में इससे पहले भी 3 बार चोरी की घटना घट चुकी है, बावजूद इसके चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। इससे पहले भी यहाँ 3 बार ई मिलाकर चोरी हो चुकी है और ये खाडा पंचायत के मैंने नामी शिक्षण संस्था है और ये आए दिन यहाँ दिन प्रतिदिन
चोरी की घटना कंटिन्यू होती जा रही है। अब बगल में CSP है, उसमें भी चोरी हुआ है। और इस विद्यालय के जो ऑफिस है, ऑफिस खोलकर इसमें अन्य तरह के अकाउंट का जो ताला तोड़कर ये सब इसमें चोरी हुआ है, हम लोग को जानकारी मिली है। और यहाँ पर हम लोग झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुर्मी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात किया और प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा है। मौके पर विधायक सविता महतो और प्रतिनिधि मंडल में शामिल कई लोग मौजूद रहे। सरायकेला जिले के कांडरा स्थित नीलांचल पावर कंपनी द्वारा अपने प्लांट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को जिला प्रशासन, प्रदूषण विभाग और प्रबंधन के साथ जमीनदाताओं और विस्थापितों का जनता दरबार लगा, जहां ग्रामीण और जमीनदाताओं ने खुलकर कंपनी के खिलाफ अपने परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया। आज नीलांचल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी जो है, उनका एक एक्सपेंशन प्लान का प्रपोजल है, जिसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जन सुनवाई की कार्रवाई होती है। वह पूरे प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और उसमें मेरी अध्यक्षता में ये जन सुनवाई करने का उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेश हुआ था, जिसके अनुपालन में बिल्कुल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी ग्रामीणों के पार्टिसिपेशन से जन सुनवाई की कार्रवाई पूरी कर ली गई। जमशेदपुर जिले में अपराधियों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। बगबेरा थाना अंतर्गत ओवरब्रिज के पास हनुमान मंदिर से अपराधियों ने 125,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में ताला तोड़कर प्रवेश कर नगद समेत करीब 125,000 रुपए के सामानों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुजारी के अनुसार इससे पहले भी मंदिर में चोरी हो चुकी है। सर यहाँ रहते नहीं है कोई, आकर के अपना ताला गाड़ी का चोर कर करके सारा सामान पैसा चांदी का मुकुट था, डॉलर झाल धन का था, चोरू की तीन घंटा था, सब चोरी करके कर चला। क्या चीज़ का मुकुट था? चांदी का मुकुट था। कुछ पैसा भी ले गया है? 5,000 रुपये था सर। क्या चीज़ में? अलमारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।